Welcome students, welcome to Maxwell Study Hub. Last video we have completed with the asexual reproduction and what are the different method of asexual reproduction. उसमें भी unicellular organisms and multicellular organisms के बारे में हमने बात की थी. After that, we have discussed something about the asexual reproduction में क्लोन ही होते हैं, मतलब पूरा एक रेप्लिका रेडी होगा, ब्लूप्रिंट्स हैं, ये सब बहुत कुछ सीखा. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना क्यों है, उसका सबसे बड़ा पहला पॉइंट है यू शुड नो व्हाट आर द लिमिटेशन एसोसिएटेड विथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहला लिमिटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, दैट इज लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, देर विल बी नो, मतलब कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा. और आपको जो मैंने बताया कि यू हैव टू द ऑर्गेनिज्म हैज टू सर्वाइव, तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होना चाहिए. यहाँ पे जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो पूरी एक रेप्लिका, पूरी एक कॉपी और आई कैन से क्लोन वॉज गेटिंग प्रिपेयर, क्लोन रेडी हो रहा था. अब इस क्लोन में वही सेम फीचर्स होंगे, वही सेम कैरेक्टर्स होंगे जो उसके पेरेंट सेल में थे. जैसा अमीबा दिख रहा था उसकी डॉटर सेल्स भी वैसी ही दिखेंगी. सो देयर विल बी अ नो इवोल्यूशन. इवोल्यूशन हमारा क्यों है, हम इवोल्व क्यों हुए, बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दैट्स व्हाई एसेक्सुअल का जो रिप्रोडक्ट जो लिमिटेशन है, दैट इज लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, इज बिकम एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू विल गेट जेनेटिक वेरिएशन. सो दिस इज समथिंग विच इज गिवन इन योर टेक्सटबुक, और टेक्सटबुक में बहुत सारी चीजें दी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म का रिडक्ट करना, वी आर गोइंग टू लर्न. अभी धीरे धीरे अभी हमें सीखने वाले. तो राइट नाउ जस्ट बी क्लियर विद वन थिंग कि लिमिटेशन क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. बच्चों वहां पे क्लोन रेडी हो रहा है एकदम डिक्टो सेम, तो वहां पे इवोल्यूशन और जेनेटिक वेरिएशन का कोई पॉइंट ही नहीं आता. नाउ कमिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन करना हो, हाउ आर गोइंग टू डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर वाज अ या द वन सेल, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं था, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर विल बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देर विल बी अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड दिस विल रिजल्ट इन अ जेनेटिक वेरिएशन. क्या आप मुझ पे बिलीव करोगे कि मैंने ये बोल दिया कि यस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर विल बी अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड दिस विल रिजल्ट इन द जेनेटिक वेरिएशन. ये तो आप एग्री करोगे. इसको एग्री करने के लिए आपको मुझे क्या देने, मुझे आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, कुछ मुझे आपको कुछ चीजें बतानी होंगी. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी नाउ वी नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिमिटेशन क्या था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये है. अब मुझे बताओ कि इसका एडवांटेज क्यों है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही क्यों है. फॉर एग्जाम्पल जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म था, मैंने क्या बोला था, रिप्रोडक्शन की एक मेन फंक्शनल एक स्टेप है डीएनए को कॉपी करना फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग.
यहाँ से डीएनए क्या हो रहा था बच्चों, कॉपी हो रहा था। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्लोन रेडी होगा, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर विल बी अ वेरिएशन। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा वेरिएशन उसमें आएगा, बट एट द सेम टाइम दिस वेरिएशन इज नॉट गोइंग टू कॉज यू एनी बैड इफेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, देयर विल बी अ वेरिएशन। सो आई जस्ट मेंशन कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स गिव यू अ जेनेटिक वेरिएशन। व्हाई? बिकॉज फॉर एग्जांपल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फादर एंड मदर दे इनके गैमेट्स कंबाइन होंगे और जायगोट मिलेगा। और मैं कहती हूं कि इसमें भी जेनेटिक वेरिएशन होगा। क्यों? बिकॉज यहां पे भी जेनेटिक वेरिएशन एक्यूमुलेट हुआ है। देयर विल बी वेन एवर द ऑर्गेनिज्म इज अंडर गोइंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पे गैमेट्स का जो फ्यूजन हो रहा है वहीं पर, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल, एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और जो कंबाइन होके जायगोट बनाएंगे। डेफिनेटली यू ऑल मस्ट बी एग्री विथ मी कि यहां पर भी इसको इसके जनरेशन से एक्यूमुलेट हुए हैं बहुत सारे वेरिएशन। इनके जो होंगे फादर, मतलब सोचो यहां पे जस्ट टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल, यहां से वेरिएशन आया होगा, यहां से और यहां से। सो देर विल बी ऑलवेज वेरिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम, विच इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड दिस विल रिजल्ट इन द वेरिएशन। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम वेरिएशन को आपने नेचुरल सिलेक्शन में से आपने उसको लिंक किया था, जाहिर सी बात है माइनर जो चेंजेस हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट विल नॉट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, मतलब बट इन अ पॉपुलेशन उसकी स्पीशीज को सर्वाइव करने को ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इतना इसको डीपली नहीं समझो, ना मत समझो इसको, मत इतना दिमाग में लो, बिकॉज इट यू विल गेट कन्फ्यूज। द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स होगा, उससे जेनेटिक वेरिएशन आएगा। आपको इससे एग्री करवाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इन दिस केस यहाँ से गैमेट्स आ रहे हैं और ये जायगोट फ्यूज होके बन रहा है बच्चों। अगेन ये जो इसमें भी जेनेटिक वेरिएशन आए होंगे ना, बिकॉज इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, ये वेरिएशन इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड एवरी टाइम बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एवरी टाइम यू गेट अ नॉवेल कॉम्बिनेशन which was absent in asexual reproduction. Sexual reproduction में यही सबसे बड़ी खास बात है कि fusion है, और ये fusion में ऐसा वैसा तो है नहीं, यहाँ पे भी variation है, तो जैसे जैसे ये combine होते गए, fuse होते गए, तो हर बार जो नया gamete fusion होने के बाद जो product मिलेगा, जो zygote मिलेगा, it will be a novel combination. And that's why जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके कारण पीपल इंडिविजुअल दे लुक क्वाइट सिमिलर। ऐसा नहीं है मम्मी पापा में थोड़ी है, मम्मी पापा और बच्चे में सिमिलैरिटी रहेगी, बट यस एट द सेम टाइम देर विल बी अ जेनेटिक वेरिएशन विच इज द मेन प्लस पॉइंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Another most important point which I can say, in asexual reproduction the method was fast, कुछ नहीं, फ्रेगमेंट किया और बन गए नए नए ऑर्गेनिज्म। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज एन इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट टेक्स 9 मंथ टू कम, 9 मंथ
ताकि एक नया इंडिविजुअल, एक नई लाइफ अस्तित्व में आती है, उसके लिए 9 मंथ लग जाते हैं। सो यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो यहाँ पे टू समराइज द थिंग, लेट मी समराइज दिस। अगर मैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो एसेक्सुअल क्या था बच्चों? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स था? नहीं। तो इट वाज वेरी फास्ट प्रोसेस। ये इधर इसका एडवांटेज था कि बहुत फास्ट है, और एट द सेम टाइम देर विल बी नो जेनेटिक वेरिएशन। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर विल बी अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, देर विल बी कॉम्प्लेक्स इलाबोरेट प्रोसेस, एंड एट द सेम टाइम जेनेटिक वेरिएशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। नाउ यू ऑल मस्ट बी एग्री विथ मी। अब एक प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि डीएनए कॉपी हो रहा था। यू ऑल नो कि वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 23 पेयर्स, ठीक है, फादर एंड मदर, ये मम्मी पापा, इनको यूनाइट करके क्या बनने वाला है? जायगोट। तो ये तो 46 है, ये भी 40, इनके पास भी तो 46 ही होगा। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो डीएनए डबल नहीं हो जाएगा? डबल कॉपी नहीं हो जाएगी? तो इसको कैसे करेंगे? इसको क्या, इसकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इसकी प्रॉब्लम का सलूशन है गैमेट फॉर्मेशन। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहला स्टेप होता है, पहले गैमेट्स को फॉर्मेशन करवाओ। ये मैंने क्यों बनाया ये? बिकॉज इफ यू सिंपली फ्यूजन ऑफ दीज टू टेक्स प्लेस, द अल्टीमेट जायगोट के पास तो डबल कॉपी रहेगी। कैसे होगा? कैसे आगे चल के ये क्या होगा? उसके पास तो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ही नीड्स, इन केस ऑफ ह्यूमंस, 46 ही चाहिए ना, तो कैसे ये होगा? तो फर्स्ट द थिंग इज दैट गैमेट फॉर्मेशन कराना होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप होता है गैमेट फॉर्मेशन कराना। यहाँ पे ये जो फादर की, ये जो ये पिताजी की, फादर की साइड से जो ये जो क्रोमोसोम्स आने वाले हैं, दे विल बी सेल डिविजन होगा एंड दे विल बी रिड्यूस हाफ रिड्यूस हो जाएंगे, एंड वो जो हाफ रिड्यूस होने की प्रक्रिया है उसको ही बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। तो फॉर एग्जाम्पल 46 का 23 हो जाएगा और यहाँ पे 46 का 23 हो जाएगा। आप और भी अगर बुक्स रेफर करोगे वीडियोस, तो दे विल ऑलवेज से 2n से ये हो जाएगा n, से n, सो व्हेन दीज nn कंबाइंस अगेन the zygote will be in the condition of 2n, and this 2n is basically known as diploid stage, and this is haploid stage. So the first step in sexual reproduction is फ्यूजन के पहले गैमेट को फॉर्मेशन कराना है। गैमेट का फॉर्मेशन क्यों करना है? बिकॉज अगर ये दोनों ऐसे ही डिप्लॉयड स्टेज में कंबाइन हो गए तो जायगोट के पास कितना रहेगा? तो इसलिए एंड द सिचुएशन बिकम्स वेरी वर्स्ट। एंड देन 23 को पहले काम करवाएंगे, हाफ रिड्यूस कराएंगे, और ये सो दिस अकर्स इन, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं। आपकी बॉडी में दो टाइप के सेल हैं, सोमैटिक और जर्म सेल। तो जर्म सेल जो है 23 यहाँ पे डिवीजन होगा और ये सेल बनेंगे, और इसके बाद ही फ्यूजन होगा। अगेन जो जायगोट जो फ्यूज होके बना,
डोंट यू थिंक कि अभी उसको भी आगे की अपनी लाइफ स्टार्ट करनी, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगा, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा. इन केस ऑफ डोंट टेक अदर एग्जाम्पल, जस्ट टेक ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ओनली. सो इन आर केस स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू आप एग्री करते हो हम में है, हमारे में अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, तो जायगोट को आगे चलकर सर्वाइव करना है खुद को, तो उसको सब कुछ सारे सेल्स अच्छे मिल, मतलब उसको सारी मशीनरी मिलनी चाहिए. सो यस द जर्म सेल एक मोटाइल होगा, फूड स्टोर भी एनर्जी स्टोरेज करने के लिए, और एक मोटाइल है और एक होगा एक स्टोर्स की तरह यूज करेंगे. जो मोटाइल होगा वो मेल गैमेट है और जो स्टोर फूड का है वो है फीमेल गैमेट्स. तो जब ये जायगोट फ्यूज होगा तो एक मोटाइल है मतलब फीमेल, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स सॉरी दैट इज मेल, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स मेल दैट इज मोटाइल दैट इज नथिंग बट द स्पर्म्स, स्पर्म्स आर द मेल गैमेट्स विच इज गोइंग टू कम टू द फीमेल गैमेट्स, वहाँ पे फ्यूज होगा और उसके बाद जो जायगोट बनेगा, अब ये जायगोट के पास बिकॉज मम्मी के साइड से फूड स्टोर के रूप में उसको दिया जाएगा, द जायगोट विल कम्प्लीट, पूरा एक प्रोसेस होगी, अपने आप को ग्रो करेगा, एंड द जायगोट विल कम्प्लीट द जर्नी ऑफ 9 months एंड आफ्टर दैट एन एम्ब्रियो अ बेबी इज फॉर्म. सो दिस इज समथिंग अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट मी कंक्लूड वॉट वी हैव लर्न टूडे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, पर ये गैमेट्स को फ्यूज करने से पहले क्योंकि 46-46 का सेट था, तो अगर उनको ऐसे ही फ्यूज किया जाएगा तो हमारे पास उस जायगोट के पास सिर्फ सिर्फ डीएनए ही रहेगा. तो पहला प्रोसेस क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पहला प्रोसेस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गैमेट फॉर्मेशन. उसके बाद ही होगा फ्यूजन. गैमेट फॉर्मेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे. That are the germ cells. ठीक है, और ये germ cells second process में fusion की process में क्या हो जाएंगे, fuse हो जाएंगे, and that will result in the formation of a zygote. Journey start हुई थी male की and female की टू एंड कंडीशन से, मतलब डिप्लॉयड थे उन्होंने अपने जर्म सेल्स, मतलब उन्होंने अपने पहले उन्होंने गैमेट फॉर्मेशन कराया, तो उन्होंने क्या स्टेज लाई, एन, एंड दिस एन विल इज गोइंग टू कंबाइन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. दिस जायगोट बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस डिफरेंट इंडिविजुअल पॉपुलेशन में, जो दो दो डिफरेंट इंडिविजुअल थे उनके फ्यूजन से आया, और अगेन इस इन दोनों में भी वेरिएशन है विच इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो जो जायगोट फॉर्म होगा इट विल बी अ नॉवेल कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, वाई इट इज नेसेसरी, एंड How are we going to study कि sexual reproduction को पहले कैसे समझोगे. पहले सबसे पहले याद रखना sexual reproduction में पहला stage होगा gamete को formation कराओ, and that gamete formation will take place like from diploid to reaching to the haploid stage, मतलब chromosome का reduce होना germ cell में, and then fusion करवाएंगे, zygote बनवाएंगे, और एक complex elaborate process होगी, और उसके बाद एक नई लाइफ आएगी. सो दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट्स क्विकली सी विद द हेल्प ऑफ वीडियो, विद द हेल्प ऑफ पीपीटी वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पीपीटी.
So let's quickly read what we have just completed in that whiteboard, जो भी मैंने explain किया. Now let's understand from the this PPT, this coming slides, कि sexual reproduction के advantage क्या है और why to, मतलब I can say it's a type of your revision. So now, it is a reproduction that involves formation of male and female gametes. So that is the first process, first step in sexual reproduction, either by the same individual or the different individual of the opposite sex. So yes, you have to just think in one, just ek hi baat apne dimag mein yaad rakho ki sexual reproduction mein pehla step kya hoga, gamete formation hoga aur uske baad unka fusion hoga. It results in offsprings that are not identical to the parents and amongst themselves. To aapke siblings bhi aapse alag thode to dikhte hain na, they are, so there will be a variation. It is an elaborate, complex and slow process as compared to the asexual reproduction. So yes, it is a very long process. So, and the example is, in case of humans, it takes 9 months. Now, the period of growth to reach in maturity for sexual reproduction is called juvenile phase. So, juvenile phase jo hai, us phase mein, wo phase kya hai, us period mein, जब ये पीरियड खत्म होगा जुवेनाइल फेज, देन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस. इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज वेजिटेटिव फेज. जो प्यूबरिटी तक जो पहुंचने का जो फेज है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्विकली जस्ट देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स. मतलब एक मेल गैमेट होगा और दूसरा होगा फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स आर दोस टू जर्म सेल्स. द टू मेन प्रोसेस अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. इट इज रिटन फर्टिलाइजेशन, ड्यू टू द डार्क कलर वी आर नॉट एबल टू सी, बट इट इज रिटन फर्टिलाइजेशन. नाउ गैमेट इज फॉर्म बाय मियोसिस. मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन जहां पे क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, रिड्यूस कर देंगे. हाफ करना पड़ेगा ना, 2n से n की पोजिशन पे लाना पड़ेगा. तो कौन सा सेल डिविजन होता है, मियोसिस. इन मियोसिस द क्रोमोजोम्स नंबर इज रिड्यूस टू हाफ एंड हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म. तो मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डिप्लॉइड सेल हूँ एंड मुझे टू गिव जायगोट, मुझे अपने जायगोट को कितना देना है, 23 ही देना है. तो मैं एक डिप्लॉइड सेल हूँ, आई विल अंडरगो अ सेल डिवीजन जहाँ पे मेरे क्रोमोजोम हाफ हो जाएंगे, 46 के 23 हो जाएंगे. एंड सिमिलरली विथ माई पार्टनर ऑल्सो, एंड वेन दीज 23 कंबाइंस, इट विल गिव यू अ जायगोट विच इज अगेन इन अ डिप्लॉइड स्टेज. देन फर्टिलाइजेशन, आपकी बुक में फर्टिलाइजेशन में क्या है कि एक मोटाइल जर्म सेल है, दैट इज अ मेल गैमेट्स. एक जो आप पे फूड स्टोर है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स. दे कम टुगेदर, दे फ्यूज एंड दैट फ्यूजन इज एक्चुअली नोन एज फर्टिलाइजेशन. और उस फर्टिलाइजेशन के बाद अब उस जायगोट की क्या होगी, ग्रोथ होगी एंड इट विल डेवलप इंटू अ न्यू इंडिविजुअल. सो दीज आर द सम पॉइंट्स. Two parents, male parents and female parents are involved in this type of reproduction. Fusion of male gametes from male parent and female gametes from female parent will going to combine. Due to this, new individual always has the recombinant gene of both the parents. And again, वो जो जिन्होंने ये जो parents थे इनमें भी genetic variation आया है उनके फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो यहाँ पे जो जायगॉट बनेगा, जो फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट आया है, इट विल बी अ नॉवेल कॉम्बिनेशन. हैंस द न्यू इंडिविजुअल शो सिमिलैरिटी विद द पेरेंट्स फॉर सम कैरेक्टर एंड हैज सम कैरेक्टर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बोथ द कैरेक्टर बोथ द पेरेंट्स. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन एंड ऑल बिकॉज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. Genetic variation helps the organism to adjust with the changing environment, that is nothing but survival.
सर्वाइवल क्यों है? बिकॉज ऑफ वेरिएशन इज देयर. फॉर एग्जाम्पल अमीबा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था वहाँ पे सिर्फ क्लोन बन रहे थे. तो अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज आया तो ये जैसा पेरेंट ने स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में वैसा उसके डॉटर सेल भी करने वाले हैं. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज वेरिएशन आ रहा है दैट कमिंग जनरेशन विल एबल टू सर्वाइव एंड दैट रिजल्ट इन दी कंजर्वेशन ऑफ दैट स्पीशीज. स्पीशीज का जो है बचाव हो जाएगा. नाउ ड्यू टू दिस एंड यस thereby maintain their existence. Existence को maintain करने के लिए sexual reproduction बहुत important है. क्यों? Because variation है. And at the end very important due to this plant or animal can save themselves from being extinct. पूरी तरह से गायब हो जाने विलुप्त होने की जो कंडीशन है वो नहीं आएगी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो दिस आर दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड यस वी हैव स्टार्टेड जब मैंने ये स्लाइड आज एक्सप्लेन करनी स्टार्ट की थी ये लेक्चर आई हैव गिवन यू द आइडिया अबाउट द लिमिटेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इलाबोरेट प्रोसीजर है. अगेन इसके इतने सारे एडवांटेज हैं. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. थैंक यू.